दोस्तों हम कितना मिस करते हैं उन बाहर रेस्टोरेंट का, होटलों का, ढाबों के खाने का। पिछली बार हमने आपको मसाला दाल बनाना बताया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और देखिए, हमारे कई दोस्तों ने हमको कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि हमें अगली रेसिपी क्या चाहिए। कुछ डिमांड हम ज़रूर पूरी करते हैं। जैसे मेरे एक मित्र हैं सुमंत ताम्रकार जी, इन्होंने सामर की डिमांड की थी। ज़रूर पूरा करेंगे सुमंत जी आपकी डिमांड को भी। बहुत सारे दोस्तों ने लेकिन एग करी के बारे में लिखा, तो इन सब की पसंद पर हम सोच रहे हैं कि इस बार की रेसिपी एग करी हो। इसमें हम कुछ आपको सीक्रेट्स बताएंगे, कुछ आपको ज़रूरी चीज़ों को बताएंगे जो हम अमूमन जब एग करी बनाते हैं तो भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी एग करी। एग करी के लिए हम 4 एग लेते हैं। 4 एग की एग करी अच्छी लगती है। अगर मेंबर ज़्यादा हैं एग की नंबर से आप बढ़ा सकते हैं। ये हमारा एक बॉयलर है, इसको टाइमर के साथ हम रख देते हैं। इसमें हमने 15 मिनट का टाइमर लगाया है और इसको हम ऑन कर देते हैं। ये उबले हुए चारों एग को हमने इस तरह से छील लिया है। इसको जो पहला ध्यान देने वाली बात है, जो आपको अक्सर एग करी घर में बनती है तो इसको छोड़, इस स्टेप को छोड़ देते हैं। उसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको इस तरह से कहीं होल कर दिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इसको पकाते हैं तो इसका जो मसाला है उसको बहुत अच्छी तरह से एग के अंदर चला जाता है, और जब हम ग्रेवी के साथ इसका यूज़ करते हैं तो ये मसाला हमें अंदर तक मिलता है और बड़ा अच्छा टेस्ट, बड़ा अच्छा टेक्सचर इसके साथ मिलता है। एग के साथ हमने कुछ आलू को भी उबाल के रखा हुआ है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो इस एग के साथ आलू का यूज़ करें, आप अगर नहीं चाहते हैं तो एग के साथ आलू का उपयोग ना भी करें। मसालों में हमने काली मिर्च, हरे धनिया, मेथी, जीरा, लाल मिर्च, इस तरह की लाल चीनी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इनको भी हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हम ग्रेवी बनाने के लिए हम प्याज का यूज़ करेंगे, टमाटर का और हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने एग बॉयल किए हैं उनको फ्राई करते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, और ये जब गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम अपने एग छोड़ देंगे। गरम तेल में हमने जो आलू वाल किए थे इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। लेंगे इस प्याज को हम छोटे छोटे बारीक करने के लिए कुछ कट करके इसमें अपने ग्राइंडर में डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी बारीक हमारी प्याज हो गई। इसी तरह की प्याज की हमें इस ग्रेवी के लिए ज़रूरत होगी। प्याज के बाद टमाटर का यूज़ हम करेंगे इसमें। दोस्तों हमने एक प्रोसेस तो पूरा कर लिया, हमने प्याज तैयार कर ली, टमाटर तैयार कर लिए, मसाले तैयार कर लिए, एग और आलू भी फ्राई कर लिए। अब हमने कढ़ाई फिर से चलाई है और इसमें वो जो पुराना बचा वाला तेल है उसको, और जो और भी तेल हम डालना चाहते हैं वो हम इतना डाल के और फिर से गर्म करते हैं इसको। हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम सबसे पहले 2 लौंग डालते हैं इसमें, थोड़ी सी दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, कुछ काली मिर्च और तेजपत्ता। मेथी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, इससे बड़ा अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। और 1 लाल मिर्च। तेल गर्म होने लगे तो इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी इस प्याज को हम इसमें डाल देंगे।
और इसको हम तब तक भूंजेंगे जब तक ये हमारी प्याज पक ना जाए, गोल्डन हो जाए, हल्की सी लाल हो जाए। दोस्तों देखिए प्याज अभी होती जा रही है, लगभग थोड़ा सा वक्त और है इसको, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी काम हम आपसे करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है आप उसको ज़रूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जब भी आपको वीडियो भेजें आपको टाइम से मिल जाए। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब आते हैं प्याज को देखने के लिए। प्याज में थोड़ा सा वक्त और है, या यूँ माने कि हम इसमें अब अदरक लहसुन डाला जा सकता है इसमें। चलिए तो अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। हमने जो हरी मिर्च काटी थी हम उस हरी मिर्च को डाल देते हैं। साथियों ये प्याज हमारी लगभग रेडी हो गई है, अब इसमें हम थोड़े थोड़े से मसाले डालते हैं। अभी हमने इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डाला, इसके बाद एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और लगभग थोड़ा सा गरम मसाला। इसको हम फिर से चला लेंगे। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो हमारे मसाले हैं पक जाएं। इसके बाद हमने जो प्याज को ग्राइंडर से ग्राइंड किया था अब इस मसाले में इसको डाल देते हैं। हल्के हाथ से इसको चलाते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। अब इस प्याज को या इस मसाले को हम लगभग 10 मिनट के लिए ढककर पकने देते हैं। अक्सर जब हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं, जो मसाले हम बनाते हैं उसमें जब कभी पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा जब कई जगहों पर उससे आपके मसाले से पानी अलग हो जाता है। ये प्रोसेस आप किसी में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए लिया है लगभग 2 चम्मच बेसन, ताकि जो हमारी ग्रेवी में मसाले और पानी है वो एक साथ बना रहे और हमारी ग्रेवी बड़ी रिच स्टाइल में रहे। और इसको हम अपने मसाले में डाल देते हैं। लगभग प्याज भी हमारी बन के तैयार है। हमारे जो एग हैं हम उसको एग को डालते हैं और अपने आलू भी। इन सब के बाद हम इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देते हैं। हम इसमें अपने जितना भी हम नमक खाते हैं उतना नमक हम इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद फिर से इसको हम एक बार चला के लगभग 1 कप पानी दस मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, एग ऑयल भी बाहर आ गया है। अब इसको फाइनल करते हैं। हरे धनिया से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसको हल्के हाथों से एक बार
चला लेते हैं। दो मिनट के लिए इसको हम फिर से ढकते हैं। अब धनिया पत्ती के बाद हमने इसको बटर थोड़ा सा डाल दिया है। बटर डालने के बाद हमारी रेसिपी पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की डिश कैसी लगी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नई रेसिपी की डिमांड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बाय दोस्तों, बाय।